करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। तो गाइज आपको पता ही होगा आज मैं किस बात पे वीडियो बनाने वाला हूँ। मतलब मेरा थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज मैं मतलब किसी के मतलब फ़ोन पे वाईफाई का स्कैनर नहीं शो करता है। मतलब कोई जैसे पहले दूसरा फ़ोन में वाईफाई कनेक्शन रहता है, उसका पासवर्ड अगर आप नहीं जानते हैं तो उसका फ़ोन से स्कैन कर सकते हैं QR कोड, तो आपके इसमें ऑप्शन ही नहीं आता है स्कैन करने का। तो आप फिर स्कैन कैसे कर सकते हैं? जैसे कोई ओप्पो का मोबाइल रहता है और उसमें स्कैन का ऑप्शन नहीं आता है, तो आप स्कैन कैसे कर सकते हैं? उसके लिए मैं एक न्यू ट्रिक और 100% काम करने वाला ट्रिक लगा गया हूँ, ठीक है ना। इसके लिए मतलब इस पहले ये ट्रिक को मैं खुद यूज किया हूँ, तो फिर तब आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको सबसे पहले चलिए वो ट्रिक को मतलब करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर जाना होगा, ठीक है ना। प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। ओपन होने के बाद जैसे देखिए प्ले स्टोर ओपन हो गया, यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है QR कोड स्कैनिंग। जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ, सर्च बार में क्या गया है, तो मैं वाईफाई QR कोड स्कैन मतलब सर्च कर दिया हूँ। तो यहाँ पे आपको 5 नंबर पे एक आपको ऐप दिखेगा, 5 नंबर वाला दिखिए, तो ये है 5 नंबर वाला, इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद इसको ओपन कर लेना है, मतलब कि इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं पहले से इंस्टॉल किया हूँ तो ओपन कर आ रहा है ऑप्शन, तो मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। इसको सिंपली मैं ओपन पे क्लिक कर दिया हूँ। अब इसको ओपन होने के लिए देते हैं, और ओपन होने के साथ जस्ट आपके सामने में स्कैनर खुल के आ जाएगा। ये देखिए, ये आसान तरीका है, यहाँ से आपका स्कैनर आ जाएगा। आप ये नहीं सोचेगा स्कैन नहीं होगा, स्कैन हो जाएगा। आप किसी का भी QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, और सिंपली आप आसानी से मतलब आप कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए ये छोटी सी वीडियो था, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।